आइए मित्रों, संत गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी अमरावती, इसके स्थापना व स्थलांतरण की कुछ बात मैं अशोक जोशी आपको सुनाता हूं। अमरावती विद्यापीठ हो, यह मांग काफी दिनों से उठ खड़ी हुई थी। कारण नागपुर यूनिवर्सिटी का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। आखिरकार अमरावती यूनिवर्सिटी मंजूर हुई और भवन की शोध शुरू की गई। उन दिनों महानगर में कलेक्टर ऑफिस के पीछे आरटीओ की नई इमारत बनी थी, जिसके दूसरे मजले का काम जारी था। ये भवन एक्वायर करने की योजना बनी यूनिवर्सिटी द्वारा। उन दिनों आरटीओ ऑफिस गाड़गे नगर स्थित मोर्शी रोड पर लक्ष्मी नारायण भवन में भाड़े तत्व पर कार्यरत थी। आरटीओ का नया भवन एक्वायर करने की भनक तत्कालीन आरटीओ एन के पणिकर को प्राप्त हुई और उनकी कार्यकुशलता से दिनांक 10 अप्रैल सन 1982 को लक्ष्मी नारायण भवन का ताबा छोड़ा गया और नए भवन में रातों रात सामान भेजकर ताबा लिया गया और वहां आरटीओ का कार्यालय शुरू कर दिया गया। आइए आगे क्या हुआ सुनते हैं। 1 मई सन 1983 में अमरावती विद्यापीठ की स्थापना विदर्भ महाविद्यालय के कुछ भाग में शुरू की गई। सन 1983 से सन 1989 तक वीएमवी परिसर में विद्यापीठ का कार्य जारी रहा। तब तक शासन ने 245 हेक्टर की जगह का ताबा तपोवन रोड पर ले लिया था और सन 1989 से लेकर सन 1992 तक अमरावती यूनिवर्सिटी का कार्य आज के स्थान पर शुरू कर दिया गया। पश्चात दिनांक 1 मई 2005 में अमरावती विद्यापीठ को संत गाड़गे बाबा विद्यापीठ के नाम से जोड़ा गया। तो मित्रों, यह है छोटी सी दास्तान अमरावती विद्यापीठ के स्थानांतरण की।